पैटर्न में कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हम सीखेंगे। तो मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल वन में आज हम आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स कर रहे हैं। आईटी टूल्स में ठीक है, आईटी टूल्स में जो हमारा टॉपिक आज है वो हम आज सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। दूसरी चीज है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और आफ्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, टॉपिक हमारा क्या है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पूछते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर्स हमारा एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन है जिसमें हम डेटा को इनपुट करते हैं और कुछ हमारे रिजल्ट आते हैं आउटपुट के तौर पर। जैसे हमारा आउटपुट रिजल्ट कहाँ पर डिस्प्ले करता है, जैसे मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कंप्यूटर से हम जब भी स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर पर जब भी हम वर्क करते हैं उसमें कई प्रोसेस होते हैं, जैसे इनपुट प्रोसेस होते हैं, आउटपुट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो भी डेटा पे अगर हम काम करते हैं तो किसी मेमोरी पे कोई भी डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे हमारा क्या होता है स्टोरेज, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज यूनिट कहते हैं। स्टोरेज यूनिट के अंदर क्या होता है कि हमारा डेटा बेसिकली वो स्टोर होके रहता है। जैसे स्टोरेज के भी कई स्टेप्स हैं, स्टोरेज में जैसे क्या होता है परमानेंटली होता है कुछ डेटा स्टोर, कुछ टेम्प्ररी डेटा स्टोर होता है। इन सब के बारे में आज हम बेसिकली जानेंगे कि वो डेटा कैसे स्टोर होता है, कौन सी चीज़ें कैसे हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर्स क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा व्हाट इज कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। जो भी स्टूडेंट्स लॉग इन हो रहे हैं वो अपने अपने वीडियो को ऑन करें, तो आप देखें कि हमें पता चलेगी कौन कौन से स्टूडेंट हमारे क्लासेस को फोकस कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। अपने वीडियो को मोड को ऑन करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ को सीखें तभी तो फ़ायदा होगा, फिर ऑनलाइन क्लास लेने का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके लिए मकसद ये नहीं है, मकसद हमारा क्या है कि हम टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को सबको बताएं, सिखाएं, सीखना मकसद है। क्योंकि जैसा जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से तो अभी तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए जो हम टाइमिंग जो टाइमिंग हमने जो डिसाइड किया है कि 11 to 12 o'clock पे सारे लोग अवेलेबल हों, और जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कवर अप करें, समझे चीज़ों को, जो भी डाउट्स हो आप पूछें हमसे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन कंप्यूटर्स क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर्स। द वर्ड कंप्यूटर्स वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द
वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम जैसे कंप्यूटर जो भी वर्ड जो दिया गया वो हमारा वर्ड किससे दिया गया है, तो कंप्यूट वर्ड से दिया गया है बेसिकली। कंप्यूट के मीनिंग्स क्या होते हैं, कंप्यूट दैट मीन्स कि कैलकुलेशन करना, कंप्यूट का मीनिंग्स क्या होता है, कैलकुलेट, कंप्यूट मीन्स means to calculate, the computer was originally defined as a super fast computers, super fast calculator, वर्ड है हमारा वो बेसिकली कंप्यूट वर्ड से बना है। और कंप्यूट्स के मीनिंग्स क्या होते हैं हमारे, कि कंप्यूट्स का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। अब कैलकुलेट में क्या होता है कि जैसे कैलकुलेशन बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई भी जैसे अर्थमेटिक माइनस माइनस प्लस करना हो या फिर डिवीजन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ लॉजिकल भी कंप्यूटर्स जैसे कंपैरिजन यूज करता है। कंपैरिजन बेसिकली क्या होता है कि लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ये सारी चीजें क्या होते हैं कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर के वर्ड से, इसीलिए बनाया हमारा वर्ड्स, क्या बना हमारा कंप्यूटर वर्ड्स बना, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ये कैलकुलेशन क्या होता है, ये फास्ट कैलकुलेशन करता है। हम और आप कोई कैलकुलेशन करते हैं उसमें मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन हमारा अगर कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन करे तो वो उसमें मिस्टेक वो एक्यूरेसी के साथ हमारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आगे, वो क्लियर हम जो है ना उसके हम वीडियो लाइव कर देंगे, आप वीडियो से देख सकते हैं, जो वीडियो भी आप हमारा जो कन्वर्सेशन जो चल रहा है ना क्लास का उसकी हम वीडियो लाइव कर देंगे, तो उसमें आपके जो भी टेक्स्ट जो है ना वो क्लियर दिखेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे हम डाल दें या फेसबुक लाइव कर दें जैसे पहले हम करते थे, वो तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑनलाइन आपकी क्लास ले रहे हैं, और इसकी एक हम पर्टिकुलर से एक रिकॉर्डिंग भी बना रहे हैं, जितनी भी हमारी आपकी जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना उसकी एक रिकॉर्डिंग बनेगी, वो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे जैसे पहले हम डालते आ रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो बोलते हैं आप, इट हैड नेक्स्ट है, इट हैड द कैपेसिटी to solve complex arithmetics arithmetic and scientific problems, very high speed, but they also perform
ही आल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। बेसिकली कंप्यूटर्स क्या होता है कि हमारा क्या होता है, तो अभी जो हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि कोई भी जो है एक वर्ड हमारा दिया गया है, कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि ये हमारा क्या करता है, तो फास्ट कैलकुलेशंस करता है। दूसरी चीज क्या है कि हैव द कैपेसिटी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, साथ ही साथ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है। दे हैव ऑल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक, अभी हमने बताया था आपको अर्थमेटिक में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। लॉजिकल्स में अभी हमने आपको हमने बताया जैसे कि ग्रेटर देन, जैसे आपको होता है जैसे कि ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल्स टू का होता है, नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक्स में क्या होता है जैसे हमें एडिशन के लिए यूज़ करना हो, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करना हो, डिवीजन के लिए यूज़ करना हो, मॉडुलस के लिए यूज़ करना हो, तो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारी चीज़ों को हमारा क्या करता है कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके थ्रू करता है, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स वर्ड्स की या नहीं कि कंप्यूटर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि कंप्यूटर्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक को हमने जैसे क्या बता रहे हैं आपको हार्डवेयर बता रहे हैं, और दूसरे को हम क्या कह रहे हैं सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। तो हार्डवेयर जो वर्ड होता है वो क्या होता है हमारा, इसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, कंप्यूटर्स की चीज़ें हैं, वो क्या कहलाता है हमारा हार्डवेयर कहलाता है। जैसे हमारे CPU हो गए, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, इन सबको हम क्या कह रहे हैं हार्डवेयर कह रहे हैं। दूसरे लॉजिकल से आपका एक से कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं सॉफ्टवेयर कर दें। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो हमें चीज़ें नहीं दिखती है उस पर हम प्रॉपरली वर्क करते हैं। जैसे वर्क में क्या होता है आपका, जैसे कोई भी जैसे भी हमने बताया कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आप वर्ड पे काम करते हैं, कोई भी जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड पे बेसिकली आप काम कर रहे हो, कैलकुलेशन करना हो तो आप इसके लिए एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन का लोगो बनाना हो जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सारे डिफरेंट्स हमारे क्या हैं सॉफ्टवेयर हैं, इस पर हम प्रॉपरली वर्क करते हैं, उसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ परफॉर्म करता है टास्क को, क्या करता है वो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर। सबसे पहला वर्ड है हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर
सिस्टम, मशीनरी, इटसेल्फ, इट इज मेड मेड अप ऑफ द फिजिकल पार्ट ऑफ द फिजिकल पार्ट पार्ट्स और डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। लाइक द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड अदर मैकेनिकल डिवाइसेस devices like input device, and output device, okay. Basically क्या है हमारा कि जितने भी हमारे जो चीजें हमारे अवेलेबल हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, ICS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दूसरी चीज क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी जैसे आप डेटा स्टोर करते हैं, जैसे आपके क्या हो रहे हैं, इसमें क्या हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जैसे आपके चिप्स हो रहे हैं, ये चिप्स भी क्या है हमारे हार्डवेयर है। मैग्नेटिक स्टोरेज में आपके क्या हो गए तो हार्ड डिस्क हो गए, हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपके होते हैं इसमें डेटा आप स्टोर करके रखते हो, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। कुछ इनपुट डिवाइस हो गए आपके, तो कुछ इनपुट डिवाइस में जैसे क्या हो गए आपके, तो इनपुट डिवाइस में जैसे हमारे जो भी हम डेटा सोर्सेज लेते हैं जैसे इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए आपके, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में जैसे आपके हो गए कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी इनपुट डिवाइस हो गए, जिससे आप डेटा सोर्सेस इनपुट कर सके, माउस कीबोर्ड, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है जिसपे आपके रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, रिजल्ट डिस्प्ले का मतलब क्या हो रहा है, जिसपे आपके आउटपुट दे रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गए, जैसे मॉनिटर हो गए आपके, प्रिंटर हो गए, ये सारी चीजें क्या हो गए, ये हमारे क्या है आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे क्या होते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग
doing anything on its own. On its own, it has to be given. It has to be given explicit instruction to perform the specific task. The computer's program is the one which controls the processing. Activities of the computers. Softwares may be mainly consist of these computers program procedures and other documentation used. Computer system. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो बिना हार्डवेयर के नहीं हो सकते, उसके लिए डिफरेंट हार्डवेयर की जरूरत होगा और वो हमारे क्या होता है, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट हैज टू बी गिवन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। क्या करता है? एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस को ये परफॉर्म करता है। किसके लिए करता है? तो फॉर ये परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करता है। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज द वन विच कंट्रोल द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर्स। जो भी प्रोसेस हम करते हैं कंप्यूटर्स में, उसकी एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करता है। Software mainly consists of these computer programs, procedures and other documentation used for operation of computer system. जैसे softwares में जैसे different softwares होते हैं, जैसे आप MS Office के packages आप ले लें, MS Office के packages में क्या different types के हमारे softwares होते हैं, ये multiple करते हैं। जैसे आपके MS Word हो गए, documentation के लिए use होता है, MS Excel हो गए, ये सारे सॉफ्टवेयर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, हमारे परफॉर्म कर रहे टास्क को परफॉर्म करते हैं। एक्सेल हो गए, MS Access हो गए, पावर पॉइंट हो गया आपका, नेक्स्ट है हमारा ठीक है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो बेसिकली इन सब सॉफ्टवेयर्स का क्या है, डिफरेंट वर्ड। जैसे MS Word दे परफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, क्या परफॉर्म करते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर सकते हैं।
पैराग्राफ आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में हम क्या काम करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है हमारा, कुछ भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एमएस एक्सेस क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम है। हर सॉफ्टवेयर क्या करे बनाया गया, यूनिक बनाया गया, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर यूनिक काम करता है, कोई ऐसा नहीं कि सब एक ही तरह का काम करे। पावर पॉइंट किसके यूजेस करते हैं, ये क्या काम करेगा आपका, ये परफॉर्म क्या करेगा, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूजेस करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को जो है क्लासिफिकेशन के बेस पे, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसको बांटा गया है डिफरेंट डिफरेंट, क्या हो रहा है, हेलो हेलो सर आपकी आवाज क्या हो रही है, क्या होता है आवाज नहीं आ रही है, चंदन आवाज नहीं कर पाए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है पता है आपको, बताया भी क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है हमारा। इसमें क्या होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स को बांटा गया है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। इसके एक जैसे यहाँ पे बता रहे हैं आपके कौन कौन से टाइप्स हैं, कंप्यूटर्स और प्रॉब्ली क्लासिफाइड इनटू इनटू डिफरेंट कैटेगराइज डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक यूज्ड इन देयर डिजाइन। सबसे पहला कंप्यूटर्स होता है एनालॉग कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली क्या करता है, इन एनालॉग कंप्यूटर्स
डेटा इज रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक वोल्टेज स्पीड एंड प्रेशर। एनालॉग कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स को कहते हैं जो कि क्या किया गया कंटिन्यूस मेजरमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे होगा। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके क्या आ गए, सबसे पहले वोल्टेज के बेस पे बनाया गया कि वोल्टेज कितना वो कैप्चर करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड के बेस पे डिवाइड किया गया है। तीसरी चीज क्या है, प्रेशर। इन सब बेस के आधार पे जो है हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स बनाए गए, ठीक है। दूसरे नेक्स्ट टाइप होता है हमारा, उसको हम बता रहे हैं स्मॉल कंप्यूटर्स। स्मॉल कंप्यूटर्स पता है आपको क्या होता है, छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आपके क्या आ गए, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स कह रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स पता है क्या होता है आपके, दे आर स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स। आप वर्क करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, आर जनरली रिफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर्स। जो आप डेस्कटॉप पे जिस पे वर्क करते हैं उसको क्या करें, माइक्रो कंप्यूटर्स करें। नेक्स्ट है स्मॉल कंप्यूटर्स में आता है, इसमें नोटबुक आ रही है आपके, नोटबुक हो या फिर आपके जो लैपटॉप्स होते हैं पीसी कैटेगरी में एंड लैपटॉप। दीज आर पोर्टेबल, these are portable in natures। हमारा थर्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड बेसिकली क्या होता है, दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मेनली यूज इन एप्लीकेशन लाइक कलेक्शन ऑफ फील्ड डेटा। फील्ड डेटा का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी, जैसे कि पैसा अगर कोई कलेक्शन करने हो, कुछ रुपीज बाहर से मार्केट से कलेक्शन करने हो, तो इसी टाइम पे अगर हम कलेक्शन ले लिया और उसको हम रिटर्न दे दिया एक स्लिप, दैट इज वो क्या हो गया हमारा, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स को कहते हैं जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों इनबिल्ट होंगे, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
किस कंबाइंस एंड स्पीड एनालॉग कंप्यूटर्स एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, किस पे डिपेंड करता है वो, डिजिटल और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। चंदन कॉल आ रहा है यार, बात तो नहीं है जरीन सर, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स से क्या होता है, वो मिनी कंप्यूटर्स मोर पावरफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे हमारा जो सिक्स नंबर पे है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वो क्या होता है साइज भी क्या होता है थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है। प्रोसेस डेटा वेरी हाई स्पीड होता है, मेमोरी भी क्या होता है इसके अंदर ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी प्रोसेसर्स भी क्या होते हैं काफ़ी हाईली होते हैं, ठीक है। इसका जो यूज़ किया जाता है बेसिकली किस लिए करते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस पे परफॉर्म करेंगे वो हमें क्या होता है कि सेकंड्स में हमें वो रिजल्ट दे देते हैं, दैट इज हमें क्या हमारा क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होते हैं। जैसे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कुछ नाम हैं, जैसे सीडीसी, सीडीसी क्या है हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट होता है हमारा जिसको हम सुपर कंप्यूटर्स को कह रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी मोर पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बेसिकली इसका जो यूजेस किया जाता है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है या वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। इसमें क्या होती है बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसके यूजेस किए जाते हैं। जैसे इसके मोस्ट कंप्यूटर्स के नाम है CRAY Cray 2। जैसे ये एक कंप्यूटर्स है जो कि बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जिसपे हम कोई भी हम हमारा क्या होता है उस पर हम रिजल्ट गेट करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग या जियोलॉजिकल डेटा हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए बेसिकली इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली आपको ये टॉपिक कवर अप भी हुआ होगा जनवरी बैच के आप लोग गए, तो जैसे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे क्या होते हैं इसमें बेसिकली किस कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें आपके इनपुट यूनिट होते हैं उससे को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, और तीसरा यूनिट होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं आउटपुट यूनिट कह रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको हम डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा सीपीयू के अंदर का पार्ट्स में है एमयू। नेक्स्ट टाइप होता है इसको बता रहे हैं एयू। और तीसरा टाइप होता है इसको हम कह रहे हैं सीयू, दैट इज पार्ट ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट हमारा जो होता है सबसे पहले क्या करते हैं हम कंप्यूटर्स में क्या करते हैं इनपुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। देन हमें क्या मिलता है दैट इज रिजल्ट मिलता है, आउटपुट रिजल्ट हमें आउटपुट मिलता है। देयर थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स,
सबसे पहला पार्ट से यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारा क्या होता है, इनपुट प्रोसेस होता है यानी इनपुट यूनिट होते हैं। इनपुट यूनिट में हम क्या करते हैं कि डेटा को इनपुट करते हैं किसी भी जरिए, या माउस का यूज करें या कीबोर्ड करें। वो हमारे क्या करते हैं, सीपीयू में प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के तीन टाइप्स मैंने सीखा है यहाँ पे कि डेटा स्टोरेज का काम होता है, जिसमें हम कहाँ पे करेंगे, एमयू में करते हैं। एमयू दैट इज स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट्स, ठीक है। दैट इज क्या हमारी मेमोरी यूनिट्स। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एयू, इसके फुल फॉर्म होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल यूनिट। और तीसरा टाइप है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल यूनिट्स। तीनों जो हमारे यूनिट्स हैं वो हमारे सीपीयू के पार्ट्स हैं। सीपीयू के अंदर ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है, और सीपीयू में ये चीजें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सीपीयू के अलग अलग काम, मेमोरी का जैसे आपको समझना है, मेमोरी क्या होता है कि डेटा को ये स्टोर करता है। जैसे कोई भी हम डेटा इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट का मतलब क्या हो गया, हम डेटा को एक्सेस करते हैं, जैसे यूज करना है हमें डेटा को, इसके लिए हम यूजेस करेंगे, दैट इज मेमोरी यूनिट होगा। एयू क्या होता है, एयू क्या करता है, तो ये लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करेगा। लॉजिकल में क्या होता है कि जैसे हमें हमारा कोई भी जैसे प्रोसेस करना हो, जैसे अर्थमेटिक करना हो, अर्थमेटिक का मतलब हो गया किसी भी टाइप का कैलकुलेशन करना हो, जैसे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ये सारे चीज़ों को परफॉर्म करता है यूजिंग अर्थमेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा सीयू दैट इज परफॉर्म क्या करेगा, तो सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है डेटा प्रोसेसिंग को, ये कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी हम डेटा को ये प्रोसेस करेंगे, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे दो नंबर को सम करें, 2+2 तो रिजल्ट आपका ही 4 देता है, ये हमें पता है। देखिए 2+2 दैट इज क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। अगर इस चीज़ को क्या समझ रहा है, अर्थमेटिक हमारा क्या इंडिकेशन करता है, दैट इज परफॉर्म है एडिशन करना। अगर हमें जैसे 2-2 करना है, दैट इज क्या करता है, ये हमारा कैलकुलेशन क्या करेगा, ये हमारा अर्थमेटिक परफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन का काम करता है। ये सारा चीज कौन परफॉर्म कर रहा है, तो एयू करता है। लेकिन एयू के बीच क्या हो रहा है, ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, डेटा को कंट्रोल करने का, डेटा को मैनेज करने का काम करता है, सीयू का काम होता है। दे हैव सीयू, दे हैव परफॉर्म टू मैनेज द कंट्रोल्स प्रोसेस, द कंट्रोल द प्रोसेस। इसके बाद सारी चीजों को परफॉर्म करने के बाद वो क्या करता है, हमारा रिजल्ट देता है। रिजल्ट कहाँ पे देता है, वो आउटपुट पे रिजल्ट देता है, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट हम कल कन्वर्सेशन करेंगे, इसके आगे के चीजों को सीखेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं, जितने भी हमने टॉपिक आज कवर अप करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कल का हमारा नेक्स्ट का चैप्टर 1 से ही होगा, टॉपिक्स में कुछ सारी चीजें मैं बताऊंगा।